Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. So in the previous lecture, I discussed the color coding of the resistor. But you know, color coding में भी हमें दो systems हैं. एक system आपने देखा, हम सीधे rings बनाते हैं. लेकिन दूसरा system भी है, color coding वो भी है. लेकिन उसमें एक different तरीके से हम color देते हैं. देखो बेटा हम क्या करते हैं. इसमें क्या क्या होता है? इसमें जो body होती है, body. ठीक है, ये भी कार्बन रेजिस्टर ही लिया. इसकी बॉडी को एक कलर दिया जाता है, ठीक है, और इसके जो एंड्स है उनको दूसरा कलर दिया जाता है, ठीक है, और फिर यहां पर एक डॉट लगा होता है उसको एक और कलर, और चौथा जो है वो यहां पर एक रिंग है. वो जैसे उसमें भी होता था, वहां वो रिंग हमें टॉलरेंस देता था, यहां पर भी वो रिंग हमें क्या देगा? टॉलरेंस. लेकिन अब ये बॉडी जो है ये क्या देता है? जो बॉडी का कलर है बेटा, बॉडी कलर जो आप करते हो उसकी बॉडी को, दैट गिव्स यू द फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट बैंड है ये. इज दैट क्लियर? बॉडी कलर. एंड जो होते हैं, एंड पे जो कलर है, एंड कलर, दैट गिव्स यू the second digit. That means it represents which band? It represents the second band. Body color represents which band? First band. And color represents which band? Second band. और ये जो dot है यहां पे, आपने आप अगर कभी ऐसा resistor भी देखोगे तो आप इसकी भी resistance निकाल सकते हो. Usually हम पढ़ते हैं एक ही system, वो गया जहां पे आपने bands देखे, rings देखे. लेकिन यहां पर एक और system मैंने यहां पे पढ़ाया आपको, और वो भी you will be surprised. कभी जिसको कभी आप ऐसा resistor देखोगे जहां पर bands नहीं होगे, जहां पर body color हो, जहां पर dot लगा हो, तो तब कैसे resistance निकालोगे? So that's why मैं आपको बेटा दोनों systems दिखाना चाहता हूं, ताकि इंशाल्लाह आपको कोई भी resistor अगर दिखाया जाए, चाहे वो उसको इस system के हिसाब से हो या इस system के हिसाब से हो, you will be able to determine their resistance. So dot जो है, dot का जो color है, it represents third digit, not third digit, it represents what? Multiplier. So it represents which band? It is B3, third band. और बेटा ये जो ring यहां पे है, बड़ा सा ring एक end पे दिया है ये वाला, what it is? It shows us as usual, it shows us, it has its usual meaning, it shows us tolerance. Is that clear? तो आप इसी basis पे, मैं इसी concept पे कुछ questions दिखाना चाहता हूं. Question ऐसे हैं, हमारे पास एक ऐसा है, suppose the carbon resistor has the following sequence of colors. Okay, sequence of colors. Color कैसे है? लेकिन देखो कैसे उसकी body को ऐसे लिखा है, body को color दिया है से orange. ओके, उसके एंड्स को कलर दिया है ग्रीन, उस पे जो डॉट लगा है उस पे जो कलर है दैट इज रेड, और उस पे जो रिंग है उस पे जो कलर है दैट इज सिल्वर. क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस. फाइंड व्हाट? रेजिस्टेंस. कैसे निकालोगे बेटा रेजिस्टेंस? चलो बताओ, बॉडी कलर कौन सा डिजिट देता है? फर्स्ट. एंड कौन सा डिजिट देता है? सेकंड. डॉट क्या देता है? मल्टीप्लायर. रिंग क्या देता है? टॉलरेंस. शुरू करेंगे ऑरेंज. ऑरेंज का क्या होता है वैल्यू? 3. आपने आपका टेबल, आपने टेबल ड्रॉ किया होगा, आप टेबल से देख सकते हो. और सो रेजिस्टेंस यहां कितनी आई? बॉडी रिप्रेजेंट फर्स्ट कलर, फर्स्ट डिजिट, सो ऑरेंज मीन 3. ओके, एंड रिप्रेजेंट सेकंड, सो ग्रीन. ग्रीन का वैल्यू क्या आता है? ग्रीन रिप्रेजेंट 5, सो 35. ओके, डॉट रिप्रेजेंट मल्टीप्लायर, यहां पर रेड कलर है, रेड का मल्टीप्लायर 10^2, दैट मीन्स इट इज 10^2, प्लस माइनस टॉलरेंस
सिल्वर की टॉलरेंस आपको पता है, रिंग रिप्रेजेंट्स टॉलरेंस, और वो है सिल्वर, सिल्वर की टॉलरेंस 10% होती है. सो आई विल राइट हियर 10% ऑफ 35 इंटू 10 रेज टू द पावर 2. अगर सॉल्व करने बैठेंगे 35 प्लस माइनस 10% ऑफ 35 ब्रैकेट क्लोज इंटू 10 रेज टू द पावर 2, तो कितना आएगा ये 35 प्लस माइनस, शाबाश, 10/100 इंटू 35 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 ओम, 10 टेन आर 100, दिस इज 3.5. सो 35 प्लस माइनस 3.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 ओम. तो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द रेजिस्टेंस, टॉलरेंस 3.5 है, 35 माइनस 3.5, 35 प्लस 3.5, वो रेंज आएगी इस रेजिस्टेंस की. सो इस दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस यूजिंग द सेकेंड सिस्टम ऑफ कलर कोडिंग. पहला सिस्टम ऑफ कलर कोडिंग मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यहां पर मैंने सेकेंड सिस्टम दिखाया. आई वॉन्ट टू रिपीट इट अगेन. सो इट हैज फॉलोइंग कलर्स, इट इज बॉडी हैज वन कलर, इट इज एंड हैज डिफरेंट कलर, सेकेंड कलर, डॉट रिप्रेजेंट इज थर्ड कलर, रिंग रिप्रेजेंट इज द फोर्थ, बॉडी रिप्रेजेंट इज द फर्स्ट डिजिट, एंड कलर रिप्रेजेंट इज द सेकेंड डिजिट, डॉट कलर रिप्रेजेंट इज द मल्टीप्लायर, रिंग रिप्रेजेंट इज द टॉलरेंस. सो आई होप आपको अगर ऐसा भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो. अब मैं इसका रिवर्स क्वेश्चन दिखा रहा हूं. तो रिवर्स में ऐसे दिखा रहा हूं मैं, क्वेश्चन ऐसे है. सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज 45, ओके, प्लस माइनस 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 ओम, ओके, मार्क द कलर्स, ओके, ऑन द ऑन इट्स बॉडी एंड डॉट एंड रिंग. हमें रेजिस्टेंस दी है, हमें इसको कोड, हमें मार्क करना है इसको किस पे, एक रेजिस्टर पे, लेकिन यहां लिखा है बॉडी पे मार्क करना है, एंड्स पे मार्क करना है, तो ये वो नहीं है बैंड वाइज, ये सेकेंड सिस्टम ऑफ कोडिंग है जो हमने अभी यहां पे पढ़ा. तो बताओ फोर, फोर इज द फर्स्ट, देखो फोर किसका वैल्यू है बेटा, फोर इज द वैल्यू फॉर येल्लो. सो दैट मीन्स हम जो बॉडी इसकी लेगी बेटा, बॉडी जो लेगी इस बॉडी पे कौन सा कलर देगी, येल्लो, ठीक है, दे दिया. देन सेकेंड डिजिट क्या है, फाइव, तो सेकेंड डिजिट फाइव है, फाइव किसका होता है, ब्लू का, तो सेकेंड डिजिट एंड्स का होता है, तो ये है ना, तो इन एंड्स को क्या कलर बेटा देंगे, इट विल बी ब्लू, दिस विल बी ब्लू, हो गए दो बेटा. और तीसरा आपको पता है वो क्या देता है, ये मल्टीप्लायर है 10^3, मल्टीप्लायर डॉट होता है, यहां पर जो बीच में डॉट होगा उसका कलर क्या कलर देगी, यहां पर 10^3 है, 10^3 किसका होता है, इट इज ऑफ ऑरेंज. सो दैट मीन्स इसको कौन सा कलर देगी, इसको ऑरेंज कलर देगी इस डॉट को. फिर टॉलरेंस कितनी है, शाबाश, प्लस माइनस 4.5 इंटू 10^3, वो कैसे निकलेगा, दैट मीन्स यहां पर जो टॉलरेंस है इट इज 10%, इज दैट क्लियर. सो 10% किसकी टॉलरेंस होती है, सिल्वर की, तो यहां पर जो मैं रिंग बनाऊंगा वो किसका रखेगी बेटा, सिल्वर का, ठीक है. क्यों, ये कैसे 10% आपको पता चला, क्योंकि आप जब यहां पे प्लस माइनस ऐसे लिखोगे 10% ऑफ 45 दैट विल बी 4.5, इज दैट क्लियर. सो यू हैव टू फाइंड एक्स परसेंट ऑफ विच इज 4.5 दैट इज 10%. सो दैट मीन्स यहां पर जो ये रिंग होगा दैट विल बी सिल्वर, बॉडी विल बी येलो, एंड इस विल बी ब्लू, डॉट विल बी ऑरेंज, एंड रिंग विल बी सिल्वर. सो दिस इज हाउ कैन यू यूज द कलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बोथ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट सिस्टम एंड विद द हेल्प ऑफ द सेकेंड सिस्टम. पहले सिस्टम से भी हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे आप कोडिंग करते हो,
और ये दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट आ गया। पहले सिस्टम में आप बैंड्स देखते थे, B1, B2, B3, B4 इज ऑन द अदर अनदर साइड, एंड सेकेंड सिस्टम में बॉडी शाबाश एंड्स डॉट एंड रिंग। बॉडी मीन्स फर्स्ट डिजिट, एंड मीन्स सेकेंड डिजिट, डॉट रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लायर, एंड रिंग रिप्रेजेंट्स एज यूजुअल टॉलरेंस। सो यहां पर आज हमने कलर कोडिंग कंप्लीट की, तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट होगा रिलेटेड टू द करंट डेंसिटी, एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह मेनी मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल कम इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स। So thank you so much. Have a nice day.